हाय फ्रेंड्स, हम आज आपको बॉटनेक ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग बता रहे हैं। इसके लिए हमने जो लेंथ है वो 14 इंच ली है। इसमें हमने शोल्डर 7 इंच के लिए, हारमोलिस में हमने 6.5 इंच लिया है और ब्रेड्स 10.5। आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से लीजिए। और हमने 1 इंच पर यहाँ पर सेप दे दिए और यहाँ पर ऊपर से बॉटनेक 3.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। और इसकी लेंथ हमने 10 इंच ली है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ ऊपर से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से इसे राउंड शेप देंगे। और नीचे से भी इसे राउंड शेप दे देते। यहाँ से हमने आधे इंच से भी कम छोड़ा है कपड़ा, इसकी कटिंग कर लेते। अब कपड़े पर भी रखकर इसकी कटिंग कर लेते। ऊपर से कटिंग की है, नीचे से बाद में कटिंग करेंगे स्टिच करने के बाद। अब इसकी स्टिचिंग कर लेते। स्टिचिंग करने के बाद अब इसकी हम कटिंग करेंगे। पहले हम इसमें पूरे में सिलाई लगा लेते हैं, स्टिच कर लेते हैं इसको। जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसकी हम कटिंग कर लेते। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा कपड़े कटिंग कर लिए। अब गले की कटिंग कर लेते। यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेते हैं।
और इसको सीधी साइड को पलट लेते हैं। सीधी साइड को पलटने के बाद इसके ऊपर स्टिचिंग कर लेते। जो धागे वगैरह निकल रहे हैं यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं। हमने रेड कलर का कपड़ा लिया है, इसमें से हम डोरी बना रहे हैं डिजाइन के लिए, इससे हम डिजाइंस देंगे इसमें। देखिए हमारी डोरी बनके तैयार है। यहाँ से हम 2-2 इंच की डोरी कट कर रहे हैं। इस तरीके से जितनी डोरी हमें चाहिए कट्स कर लेते हैं। और देखिए हम इसमें लूप्स बना रहे हैं। हमने इसमें 1/2 इंच से भी कम का गैप रखा है। देखिए लग के तैयार हैं सारे लूप्स। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और इसमें हम लेस लगा रहे हैं गोल्ड कलर की।
देखिए हमें लेस लग की तैयार है और इसमें हम डोरी डालेंगे लूप्स में और ऊपर से इसमें एक टांका लगा लेंगे ताकि ये निकले नहीं। और नीचे हमने इसमें नोट लगा दिया है और हमने गोल्ड कलर की दो डोरी लगाई है ऊपर। इस तरीके से हमने गोल्ड कलर की डोरी बना के ऊपर लगा लिए, इसमें टांका लगा देते हैं। देखिए हमारा गला बन के रेडी है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर डिज़ाइन बन के आया है। आप इसी तरीके से बनाइए।